हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मिश्रा जी सर, रुमाल से इस खंजर को पकड़ो, कपड़े से पकड़ो खंजर को, वरना तुम्हारी उंगली के निशान इस पर आ जाएंगे। लड़के इधर आओ, सामने आओ। मिश्रा जी खंजर एक तरफ रख दो। साहब ना जाने कौन मेरी बहन रजनी को मार दिया। साहब मुझ पर रहम किया जाए। साहब क्या कहा? साहब मेरी बहन को ना जाने किसने मार दिया। पहले मैं जितना पूछता हूं सिर्फ उतना बकोगे। क्या नाम है तेरा? साहब ये पूछताछ करने का टाइम नहीं है। साहब मेरी रिपोर्ट दर्ज किया जाए। पूछताछ करने का टाइम नहीं है, तेरा नाम क्या है? पूछा तेरा नाम क्या है? साहब मेरा नाम राकेश है। राकेश है, ये कौन है? ये मेरी बहन रजनी है। तेरी बहन है? हाँ साहब। इसका मर्डर क्यों किया रे? नहीं साहब क्या कोई भाई अपनी बहन का खून कर सकता है? कर सकता है? नहीं साहब, हो गए ऐसे भाई। तेरा पोजीशन देखकर हमको शक ही नहीं, यकीन है कि तू अपनी जवान बहन का जब ब्याह नहीं कर सका तो उसका इसी खंजर से मर्डर कर दिया। नालायक, मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया। साहब ये आखिर नहीं किया? बोल साहब, बोल साहब, मुझ गरीब पर रहम करो साहब। मैंने खून नहीं किया साहब। नहीं किया? नहीं, खून नहीं किया? नहीं साहब। तूने किया है साहब। राकेशवा तूने अपनी बहन का खून किया है। साहब मैं अपनी मरी हुई बहन की सौगंध खाता हूँ कि मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया। तू लाख कोशिश करे और लाख सफाई दे दे, लेकिन मैं सिर्फ तेरे मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि हाँ साहब, हाँ खन्ना साहब, मैंने अपनी बहन का मर्डर किया है, किया है, किया है। साहब अगर ऐसी बात है, अगर तुम मेरे मुख से यही सुनना चाहते हो कि मैं अपनी बहन का खून किया हूँ, तो मुझको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस खून दरिंदे को आप जानते हैं और उससे मिल चुके हैं। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं कहूँगा। तू कहेगा? मैं कभी नहीं कहूँगा। नहीं कहेगा? रजनी के खून का इल्जाम अपने सर पर नहीं लेगा? कभी नहीं लूंगा। तू लेगा? कभी? और जरूर लेगा। बोलिए सर। मिश्रा जी सर, पहले इस लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, फिर देखता हूँ कि ये राकेशवा अपनी बहन के खून का इल्जाम कैसे अपने सर नहीं लेता है। कबूल करेगा तू? नहीं करूंगा। करेगा? मैं नहीं करूंगा। नहीं करेगा तो तेरे सर से लेकर पांव तक तेरे जिस्म पर इतने डंडे बरसाऊंगा कि तेरी एक एक हड्डी का चूरमा बना दूंगा। आप जितो ही सितम ढाना चाहते हैं ढालें, लेकिन मैं अपनी बहन का ये कतलाना जुर्म अपने सर पर नहीं लूंगा। मिश्रा जी जी सर, सीधे
कुत्ता चाहते हैं। जुर्म नहीं कबूल करेगा। नहीं नहीं करेगा, करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसके अंगूठे का निशान हमें लेना है। ठीक है सर। क्या है? दिखाओ इस। अरे इस गोरे काले का अंगूठा लगा इस पर। साहब जी, अभी तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं कि राकेश की मुट्ठी एक बारी बंद हो जाती है तो उसको खोलने के लिए। मुझे खोलने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर तेरी सेहत के लिए यही होगा कि तू इस कोरे कागज पर अंगूठा लगा। नहीं लगाऊंगा। लगा दे तेरे। लगो। तेरी भलाई इसी में अंगूठा लगा दे। नहीं लगाऊंगा। लगा दो बेटा। मैं नहीं लगाऊंगा। बात मान जाओ। एक बारी मुट्ठी बंद हो गई, बंद हो गई। नहीं लगाओगे? नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे? नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे? हंटर नहीं मिश्रा जी। जब मैंने कह दिया कि एक बारी मैं नहीं लगाऊंगा तो नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब आप ताव देखना चाहते हो? आप चाहे जो समझे इसको। इज्जत इसी में है कि अंगूठा लगा दो बेटा। क्यों परेशान हो रहे हो? अंगूठा लगा दो। मैंने कह दिया एक बारी कि मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा तो नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाऊंगा। अगर तुम्हारे बाजुओं में ताकत है तो अंगूठा लगवा लो। ताकत? तू जानना चाहता है ना? सर मैं खोलूंगा इसका। ताकत है? खोलो। खोलेंगे? लगाऊंगा। तो जानना चाहता है ना कि तुझसे अंगूठा लगाने के लिए मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? तेरी बहन के मर्डर के लिए और तुझ पर ये इल्जाम लगाने के लिए मैंने 50,000 रुपए लिए हैं। तुझे अंगूठा लगाना ही होगा। लगाना ही होगा। लगाना ही होगा। राकेशवा, देखा तूने अंगूठा आखिर लगा ही दिया। हथकड़ी लगाओ सर। मिश्रा जी, हथकड़ी लगाओ इसको। हथकड़ी लगाकर इसको साथ में लेके चलो। ठीक है सर। इसकी चार सीट बनाकर आज ही हम सेंट्रल जेल के लिए इसे रेफर कर देंगे। ठीक है सर। क्योंकि अपना काम बनता बन गया। लेके आओ इसको। इंस्पेक्टर खन्ना सिंह,
जुर्म तो मुझसे कबूल करवा लिया है। मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाने जा रहे हो, लेकिन ध्यान देना कि मैं कभी छूटने ना पाऊं। अगर मैं छूट गया तो कसम मेरी बहन की, तुझको ऐसी मौत मारूंगा कि ना तो किसी कानून के किताब में लिखी होगी और ना ही आज तक किसी को मिली होगी। तू ये नहीं जानता बच्चे कि तुझे तेरी ही बहन के कत्ल के जुर्म में मैं तुझे ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां से तू लौट कर कभी नहीं आएगा, और जब लौट कर आएगा तो तेरी इन हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि तू इस पत्ते खन्ना से मुकाबला कर सके। तो इसीलिए तो कह रहा हूं खन्ना सिंह कि ऐसा काम करना कि मुझको छूटने मत देना। क्यों बे, बहुत ज्यादा रंगबाजी है। चल 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 चल। क्यों बे, हो सड़ी वाले, यहाँ पे तुम अब तुम्हारे को बचाने कौन आएगा? हाँ? मैं तुम्हारे बड़े साहब से भी यही बात बोल चुका हूँ। गिरफ्तार तुम उसको कर लिए हो, लेकिन ध्यान देना कि मुझे छूटने ना देना, यहाँ से भागने ना देना, वरना ऐसी जिल्लत की मौत मारूंगा कि दुनिया याद करेगी तुमको। अरे अरे अरे, और मर्डर करेगा, मर्डर करेगा। उस समय तो बड़े साहब कुछ बचा लेते, लेकिन आज साले तुमको कोई नहीं बचाने आएगा। अंधे में हो। नालायक गधे कहीं के अंगूठा लगा दे बेटा, साला रंगबाजी छाड़ता था। मैं इस समय बैठने चल रहा हूं, ठीक है? आप सेवा करिए मेरी, ठीक? सबसे पहले मेरा पैर दाबोगे, उसके बाद सर दाबोगे, हाथ दाबोगे, पूरी सेवा करो। आप तुमसे यही कह रहे हैं, कोई थाने भाई नहीं, आज सिर्फ मिश्रा सिपाही है। मेरे हाथों में तो हथकड़ी लगी है साहब, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? हथकड़ी लगी रहेगी, पहले हथकड़ी तो खोलो। कहीं खोलूंगा नहीं, इसी में बांध दूंगा इसको, मैं बैठूंगा, देखता हूँ साले कैसे भागते हो। लेकिन साहब साहब, अगर आप सेवा ही कराना चाहते हैं हाँ। तो फिर सही ढंग से करवाइए। मेरे कहने का मतलब कि ये वर्दी उतार दीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। वर्दी उतार दूं? हाँ। अच्छा, मसाज करोगे? हाँ। ओ बेटा शाबाश, मसाज करोगे, ठीक है, लेकिन सहूलियत से, रंगबाजी से नहीं बे। साहब मैं आपके अंडर में हूँ, कैसे आप जो कहेंगे वही करूँगा। ठीक है वर्दी, मैं वर्दी उतार दूंगा, कोई बात नहीं।
पैंट नहीं उतारेंगे सर चलेगा, लेकिन बेल्ट तो उतार दीजिए। क्रॉस बेल्ट उतारना जरूरी है साहब। जरूरी है? हाँ सर। तब अच्छा मसाज करोगे? जी सर। सेवा करना? ठीक है सर। रंगबाजी नहीं करोगे बेटा? नहीं सर। नहीं जरा सोटा ना गंगा कैसेट मालिक पुनी समय नहीं बचा पाए तो। ये बताओ गीत कुछ जानते हो? सर मैं गरीब आदमी और मुसीबत का सताया हुआ क्या गीत गाऊंगा साहब? नहीं गाएगा? नहीं गाएगा? अच्छा गाऊंगा साहब। अभी देख रहा सोटा ना बहुत, मैं बहुत मौजी सिपाही हूँ मिश्रा जी। ठीक है साहब। सेवा करो बताते रहो किस सुना। हर जिंदगी की राहों जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की हाय हाय। सर तब रहा बे तेल ओल की व्यवस्था रखी हुई नहीं, मेरा बहुत सर चकराता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास चंपिंग कर जानते हो? सर ये लग जाएगा आपके सर में। अच्छा ठीक है वैसे मसाज करो। एक काम करता हूँ तुमको अपने कुर्सी में बांध देता हूँ, क्योंकि मान लो भाग जाओ बैठ जाऊँगा भाग नहीं सकते आप, तो इसलिए मैं आपको बांध दे रहा हूँ। आप भाग दो अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। समझे? अब मैं गाना नहीं सुनूंगा, अब मेरा सर दाबो। बैठिए। Thank you.
सर जी साहब, सेवा करो भाई। सेवा करूं साहब? क्या कर दिया? अरे आप, अभी तक तुमने जितना कहा उतना मैं बोला, लेकिन अब मैं जितना कहूंगा तुमको उतना ही करना पड़ेगा। अरे भैया मुझे माफ कर दो यार। मुझे माफ कर दो तुझको। मैं मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? हाँ भैया माफ कर दूं साथ। यार भाई साहब ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमको क्या बोला था, ले चल तो रहे हो, लेकिन ध्यान देना कि मुझे छोड़ना मत, मुझे जाने मत देना, वरना ऐसी मौत दूंगा ना किसी कानून के किताब में लिखी होगी और ना ही आज तक किसी ने देखी होगी। अरे यार भाई जानोगे यार? बैठ बे, बैठ बे। अरे बे मत कहो यार। बैठ, मैं कह रहा हूं। रुक जा, मैं तेरी व्यवस्था बना रहा हूं। बजाना आता है? मैं तो भैया कभी ढोल बजा के सुना बे। मैं कभी नहीं बजा के सुना। अरे बाप रे। अबे बजाऊंगा। बजा, जैसा भी आता हो उसे बजा। जैसे बजाए वही बजा। सारे हाथ से बजाया जाता है। बजा। ओ पहले किसी ड्रामा कंपनी में काम करते थे क्या? भैया कहीं नहीं काम किया। छोड़ दो यार, मुझको जाने दो यार। छोड़ दूं? मैं जितना कह रहा हूं उतना करना। अरे पुनीत शर्मा गंगा कैसे मालिक छुड़वा? वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, क्या कहना है? क्या कहना है? दाल मोट भुरकुस, दाल मोट भुरकुस, बुढ़िया के काजर, बुढ़िया काजर, पान बीड़ी सिगरेट, सिगरेट, खन्ना सिंह साला आता होगा मेरी दुल्हन। ना कहा मेरी नौकरी चले जाए माले। अबे तू कहेगा कि नहीं? भूखे मर जाए भाई। ये तेरी नौकरी का सवाल है, अगर नहीं कहेगा तो मैं तुझे जान से मार दूं। मत मार यार, जान प्यारी है नौकरी। नहीं जान प्यारी है भाई। हाँ तो फिर बोल। जान प्यारी। बोल जल्दी। बोल बोल। बंद नहीं होना चाहिए। चल लगा। दाल मोट भोर को बुढ़िया का काजर, ए खन्ना साला आता होगा तो खन्ना लाता, खन्ना साला आता होगा तो खन्ना लाता। दाल मोट भोर को बुढ़िया का काजर, ए खन्ना साला आता होगा तो खन्ना लाता। मिश्रा जी ये सब क्या है? अबे साले मिश्रा जी ये सब क्या है? ये तो ये पैसे राकेशवा कर गया था। मैंने क्या बोला था कि उसकी चार सेट मैं तैयार कर रहा हूँ, उसे सेंट्रल जेल भेजना है जी। और तुम ढोलक लेके साले किसी ड्रामे में भर्ती होना है? मेरी कमी नहीं है, अकेले पा करके सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें मैं। मेरे से बात कर, आप चले गए। निकालो इसको। शुरू करता है। चुप रहो।
साहेब। साहेब। क्या बात? ए साहेब। क्या बात? खोला काठी। क्या? खोला काठी। ये खोला काठी क्या है? अरे देखा। का मतलब? तुमने लापरवाही बरती और तुम्हारी लापरवाही का फायदा उठाकर वो तुम्हें तुम्हारी ही कुर्सी से बांध कर भाग गया। जल्दी खोला कटिया, इसको निकालो। क्या बताऊं साहब, आप चले गए। आपने कहा कि ले जाओ मुलजिम को चार सीट तैयार करके। तैयार को तो सर मुझे अकेले पा करके मुझको बांध दिया कुर्सी में। तुम्हारी राइफल? राइफल साहब सब उतरवा दिया, पूरी वर्दी उतरवा दिया। कैसे साहब? मार के आगे, मार के आगे भूत भागता है। मैं पूछता हूँ मिश्रा जी, राकेश के हाथ में हथकड़ी लगी थी, तुम्हारे पास राइफल थी, फिर भी वो तुम्हारी ही कुर्सी से बांध कर और तुम्हारी बेवकूफी का नाजायज फायदा उठाकर जी साहब राकेश जेल से फरार हो गया। साहब तो मैंने कहा राकेश बाबे। क्या क्या साहब? सबसे पहले मेरी सेवा कर साहब। मुझ मेरा पैर दबाया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरा हाथ दाबा और आनंद आ गया। उसके बाद मेरा सर दाबा। कितनी बार सर दबाओगे? जब सर दाबा साहब मेरी नींद आ गई, मैं सो गया और उसी बीच में राकेश साला मुझे कुर्ते में बांध करके इसका मतलब चला गया। तुम माज में आकर यही गलती को भी भूल गए साहब, यही गलती। जानते हो साहब वो मुजरिम कितना खतरनाक है हमारे लिए? जी साहब। अच्छा ये बताओ जी साहब, कितनी दूर गया होगा? बेचारा ज्यादा नई दिल्ली पहुंचा हो। बस नई दिल्ली? बस। तुम्हारी बेवकूफी पर मुझे हंसी आती है। इस वक्त हम थाना रामपुर में मौजूद हैं और तुम दिल्ली बॉम्बे और कलकत्ते की बात कर रहे हो। अरे साहब गोंडा से मैं लेके चला दिल्ली आ रहा था तो छुड़ा करके भागा। तुम कहे देखो जी साहब, इस पर ये वर्दी धारण करो और हमारे साथ चलो। इस वक्त राकेश का पीछा करो, भाग कर वो नहीं जाना चाहिए। आ मेरे साथ चलिए। वाह इंस्पेक्टर खन्ना सिंह, 50,000 रुपए घूस लेकर तुमने मेरी बहन के खून का इल्जाम मुझ पर लगाया और मुझे गिरफ्तार करके मुझे कैदी बनाकर जेल में डाल दिया। ठीक है खन्ना सिंह, जो किया है तुमने ठीक किया है, लेकिन अब मैं जो भी करूँगा वो भी ठीक करूँगा। लेकिन याद रखना खन्ना सिंह, और सबसे बड़ा दुश्मन मेरा विजय सिंह। ठीक है, मैं इसी वक्त यहां से ऐसी जगह जाऊंगा और वहां से एक खतरनाक व्यक्ति बनकर आऊंगा। फिर वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। सबसे पहला नंबर मैं अपने दुश्मनों का खात्मा करूंगा। हे प्रभु, या प्रभु मुझको सहारा दे। अब मुझको यहाँ पर विलंब नहीं करना चाहिए, इसी वक्त मुझको चंपल घाट जाना चाहिए और वहाँ से मैं एक खतरनाक डाकू बनकर मैं इन सब का खात्मा करूँगा।
सेठ जी कहिए। ये बता साबुन लगाई के तू तो आ गया, अभी मेरी बेटी कल्पना नहीं आई साबुन लगाई। अरे माई रे का घर रे जाई दाए हो धाई दे तक चाका हुआ ताई पहुंच गया का। अबे कहाँ था पहुंच गया, बिट्टी आवत यहाँ आ रही है। आ रही है मैं आगे आगे आया और आपकी लाडली पीछे पीछे आ रही है। पीछे पीछे आ रही है चावल लगा के आइए बैठे। आ गई तो साबुन लगा के, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं पिताजी कोई दिक्कत नहीं। बेटी एक छोटी एक मिट्टी सी दे दो। मेरी दुलारी बिटिया। लेकिन बेटी क्या पिताजी, यहाँ से तू अकेली गई थी ना? यहाँ से तू अकेली गई थी, ये लड़का कहाँ से मिल गया तुमको साबुन लगाई के? बोल ये कैसा इंसान है, ये कोई चोर बदमाश है क्या? नहीं पिताजी। तो ये मुझे गेट पे मिला। गेट पर मिला? जी पिताजी। क्या कर रहा था गेट पर साबुन लगाई के? पिताजी ये बोलो बोलो बोलती क्यों नहीं साबुन लगाई के? बोल पिताजी। चल और पीछे चल। जब आपने कहा कि जाओ बेटी वर्करों को तनख्वाह दे कर आओ, मैं गई पिताजी तो ये गेट के बाहर बेहोश पड़ा था। जब इसे मैंने देखा तो इसको मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब इसको होश आई तो मैंने इससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इसने मुझे सारी कहानी बताई। पिताजी ये बेचारा मुसीबत का मारा हुआ है, तो मैंने इससे कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुझे काम भी दूंगी। पिताजी कोई काम दो ना। इधर चल पहले, तेरी खुशी में हमारी खुशी है साबुन लगाए के। इधर आ इधर आ। ये बता तू कहाँ का रहने वाला है? बोल 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 बोल। जिला गोंडा ग्राम रामपुर का रहने वाला हूँ। जिला गोंडा ग्राम रामपुर के रहने वाले हो साबुन लगाए? जी सर। नाम क्या है तुम्हारा साबुन लगाए? अरविंद है। अरविंद है। और कितने पढ़े हो? बीए पास। बीए ये पास चुप कर साबुन लगा के। कौन पूछ रहा है तू बताने लगा? बेटी क्या पिताजी तुम क्या चाहती हो? पिताजी मैं तो ये चाहती हूँ कि वो क्या बोलते हैं वो मैनेजर की जगह अपने यहाँ खाली है ना। हाँ जितने नौकर हैं सब मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं साबुन लगाई के, तो पिताजी इसको वही काम दे दीजिए ना। बेटी प्लीज पिताजी। तुम कहती हो पिताजी। मास्टर बेटी गर्चे तुम्हारी बेटी गर्चे तुम्हारी यही राय है नौकरी दे से राम इनकार हूँ। बेटी कर्जे तुम्हारी
इनकार हूँ और ड्यूटी पे कल से आना हमारे यहाँ ड्यूटी पर कल से आना हमारे यहाँ बेटी के बाद पर मैं भी इसिया भागे को इतना सहारा काम करना मुझे ये पड़े कौन सा काम करना मुझे ये पड़े सेठ जी जल्दी मुझसे बदला कौन सा काम करने में होशियार हो बेटी कल्पना जी पिताजी कौन सा काम करने में होशियार हो ठहरो सच्चे अगर तुम हो नमकदार छोड़ दूँ काम तेरे भरोसे पर मैं अरे छोड़ दूँ काम तेरे भरोसे पे मैं हो मददगार तुझे मददगार तू काम पढ़ाई कहे मैंने पूरा किया पढ़ने लिखने का हो काम कर लूंगा मैं तो काम पढ़ाई से मैंने आए पूरा किया पढ़ने लिखने का हो काम कर लूंगा मैं कल से ड्यूटी पर आने को तैयार हूँ कल से ड्यूटी पर आने को तैयार हूँ सेठ जी सच्चे मानो नमस्कार मुनिमा सेठ जी बेटी कल्पना जी पिताजी ले जाओ इसे अच्छे ढंग से नहलाई कराओ उसके बाद अच्छे कपड़े पहनाओ साबुन लगाई के ठीक है पिताजी मैं आपसे डर रही थी कि कहीं आप इनकार न कर दी अरे तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है साबुन लगाई के अच्छा अच्छा खाना खिलाओ इसे मैं अपनी फैक्ट्री का फैक्ट्री नहीं पिताजी ना तो बताए देवा कर गुड़िया फैक्ट्री नहीं आओ तो बता दो कर चलो छोड़ो नहीं आता तो क्यों कहते हैं इसकी नौकरी मैनेजर की दे देता हूँ ठीक है अच्छा मैं चलता हूँ साबुन लगा के हरे राम चाल हरे राम चाल चलू मस्तैया चली नया जनिया रे हा
था। मेरे पिताजी कितने दयालु हैं, उनके दिल में, उनका दिल जो है ना वो दया का सागर है, समझ लो। मैं जो कह दूँ मेरे पिताजी तुरंत मेरी बात मानते हैं। क्यों नहीं? लेकिन मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, देखा तुम्हें मैंने कौन सी नौकरी दिलवा दी। तुमने तो मुझे नौकरी दिलवा दिया। तो अब मेरा भी एक कहना मानो ना, एक जल्दी से पप्पी एक दे दो ना, जल्दी से। चहिलाख तू खाया चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न हो गे जुदा जुदा आ कतम खाले, चाहत रहे की सदा जहर पीना, मिल के न हो गे जुदा जुदा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। हंसते हंसते तुम पर